स्टूडेंट्स सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आई आई टी जे डब्ली मीनस और जे डब्ली एडवांस की एक कॉम्प्रेंसिव तैयारी करवाई जा रही है ये बुक्स पाँच किताबों का कलेक्शन है मतलब सिंगेज मैथमेटिक्स में आपको कॉर्डिनेट जोमेट्री कैलकुलस वैक्टर सिंथरेटी एल्जेब्रा ऑटिग्रोमैट्री के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है और हम इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं हर एक कंसेप्ट को इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कर रहे हैं उसके बाद हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में हर तरह के क्वेश्चन हर कैटेगरी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले रहे हैं और फाइनली चैप्टर को कलमिनेट करते हैं जे डब्ल्यू एडवांसड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है यानी कि हम कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती आपको कोई चार्जेस नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई हिडन वर्जन कोई 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 ट्रायल वेट कोई पेड मोड ऐसा कुछ भी नहीं है वी आर अ हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम केडागार एंड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप हमारे नोट्स पीडीएस और ई e बुक्स के लिए टीम से कंटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा एलिप्स का चैप्टर चैप्टर है का, इसमें हम अलग अलग कैटेगरी के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और अब मूव करते हैं आज कि देखते हैं हम कौन से क्वेश्चंस अनफोल्ड करेंगे क्वेश्चन आपके सामने है ध्यान से देखिए वो बोल रहा है फॉर ऑल रियल पी तो सारे रियल पी के लिए जो लाइन है ये टच करती है एक फिक्स्ड एलिप्स को जिसके एक्सेस हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस अब सीधी सी बात है सर अगर एक एलिप्स के एक्सेस हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर एक एलिप्स के यू नो एक्सेस हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस तो बात तो वहीं सुलझ तो जाती है ऐसे तो 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 कैसे सुलझ जाती है कौन से सुनिएगा अगर एक, एक एलिप्स के एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं मतलब वो वही हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है वो हमारा वही स्टैंडर्ड एलिप्स है जिसके क्लियर सी बात हम जानते हैं इस तरीके से हालात बनते हैं एक और बात अगर इसकी कोई टेंजेंट है अगर इसकी कोई टेंजेंट है तो वो मैं ये जानता हूँ सर वो होती है वाई इज इक्ल्स टू एम एक्स प्लस अंडरूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई होप आप ये बात भूले नहीं हो ये एलिप्स कौन सा एलिप्स है सर ये वही स्टैंडर्ड एलिप्स है जो आप पढ़ते आए हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्र इज इक्ल टू वन कोई दिक्कत तो नहीं है अब उनका ये कहना है उन्होंने आपसे ये समझाना चाहा कि आपके अकॉर्डिंग होगी ये उस एलिप्स की इक्वेशन लेकिन हमारे अकॉर्डिंग मतलब उस एलिप्स की टेंशन की इक्वेशन लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये उस एलिप्स की टेंशन की इक्वेशन है ठीक है देखते हैं उन्होंने क्या कहा भाई फॉर ऑल रियल पी तो पी के सारे रियल वैल्यूज़ के लिए वो ये बात कर रहे हैं ठीक है मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ मैं क्या इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ कोशिश करते हैं ध्यान से देखिएगा मैं से अगर लिखना चाहूँ तो मैं एक छोटा सा काम टू पी एक्स को वहां शिफ्ट किया तो शैलाइ से ये कुछ ऐसा दिखेगा y is equal to, y मतलब देखना माइनस टू पी एक्स है ना और y का जो कोफिशेंट है under root of minus P square, वो इसे डिवाइड कर रहा होगा क्या ये बात से आप सहमत हैं प्लस सिमिलरली वन अपॉन मुझे क्या दिख रहा होगा अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या ये बात आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर कोई डाउट है तो हमने y को यहीं रखा 2px को वहाँ शिफ्ट किया तो इक्वेशन होगी y टाइम्स अंडर रूट ओवर वन माइनस पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस टू पी एक्स प्लस वन द नेक्स्ट थिंग विच आई डू इन ऑर्डर टू गेट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी काइंड ऑफ अ फॉर्मेट मैं y के कोशिश अंडर रूट ओवर वन माइनस पी स्क्वायर से इसे डिवाइड करता हूँ तो टेक्निकली ये कुछ ऐसा आता है अब अगर मैं चीज़ों को थोड़ा मेल मिलाप यू नो इक्वेट करने की कोशिश करूँ तो उनके अकॉर्डिंग ये उस एलिप्स की टेंजेंट है हमारे अकॉर्डिंग ये उस एलिप्स की टेंजेंट है तो क्या मैं कुछ चीज़ें फिगर आउट कर सकता हूँ कोशिश की जा सकती है सर गौर से देखिए मेरे लिहाज से जो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि सर दोनों इक्वेशन सेम है वो एज इक्व एम एक्सप्लेस ये भी वही है क्या आपको ये बात नज़र आ रही है कि आपके अकॉर्डिंग इस टेंजेंट की स्लोप होगी ये है, है ना तो इस टेंजेंट की स्लोप अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे माइनस टू पी अपॉन अंडर रूट ओवर वन माइनस पी स्क्वायर डू यू ऑल एग्री विद दिस हाँ सर ये बात तो हमने मान ली लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो इसका इंटरसेप्ट है और जो यहाँ पर इंटरसेप्ट फ़र्क है तो उन इंटरसेप्ट पर ही हम बात करते हैं उनके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट क्या आता है वन अपॉन अंडर रूट ओवर वन माइनस पी स्क्र उनके अकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट आता है वो आता है वन अपॉन अंडर रूट ओवर वन माइनस पी स्क्र और हमारे अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट क्या होता है सर वो होता है अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर अब एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर गौर से देखिएगा अगर मैं एम स्क्वायर करता हूँ तो इसका स्क्वायर अगर मैं करता हूँ आई होप ये कन्फ्यूज नहीं करता है तो माइनस टू पी का स्क्वायर कितना सही हो जाएगा फोर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर जब किया तो कितना हो जाता है वन माइनस पी स्क्वायर ये हो जाता है एम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स बी स्क्वायर क्या इतना पूरा पार्ट आप सभी को समझ आया यहाँ तक कोई दिक्कत कोई इशू कोई भी कंसर्न कोई भी परेशानी जो सारी बातें हमने लिखी इनमें से किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा ऐसा अभी तक तो मानना है सर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका मेरा कहना है आप स्क्वायर करिए शायद कुछ बात बन जाए तो हम एक अगली स्टेप जो परफॉर्म करेंगे है कि हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं अब जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर किया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखता है सर ये दिखता है वन। अपॉन वन

बी स्क्वायर टाइम्स वन माइनस पी स्क्वायर कोई परेशानी और आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे आई होप अभी तक चीजें सॉर्टेड है कहीं पर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं बना हुआ है मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको वन माइनस पी स्क्वेयर और दिखेगा अब अगर आप चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की तरफ बढ़ें तो सर ये पार्ट तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि पी कोई ना कोई वैल्यू है तो ये वैल्यू इस वैल्यू को हटा रही होगी है ना अब मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ गौर से देखिएगा कुछ सीधी सीधी साधारण सी बातें मैं आपसे करता हूँ देखो इस बान को इधर ले आए क्या बिल्कुल ले आइए सर तो देखो सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ कैसी नजर आएगी थोड़ा इसे ध्यान से देखेंगे और इसी से समझेंगे कि चीज़ें कहाँ हमारी लेकर हमें जाती हैं है ना गौर से देखना ए स्क्र फोर पी स्क्वायर को आई वॉन्ट इवन टच मैं इसे ऐसे ही लगता हूँ मैं इसे क्या लिखता हूँ मैं इसे लिखता हूँ ए स्क्वायर फोर पी स्क्र एज इट इज तो ए स्क्वाइम्स फोर पी स्क्र आई वॉन्ट इवन चेंज इट है ना नेक्स्ट थिंग वट वट वॉट वी डू इज आई एल सिंपली मल्टीप्लाई दिस बी स्क्वायर इन साइट सो बी स्क्र माइनस बी स्क्वायर पी स्क्र सो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा वो क्या होगा बी स्क्वायर पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस बी स्क्वायर पी स्क्वायर एक छोटा सा काम और मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ सर ध्यान से देखो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस वन सॉरी प्लस वन दिख रहा है अगर मैं इसे इधर लाया तो क्या दिखेगा माइनस वन सो यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और ये ऐसी कुछ मुझे दिखेगी यहाँ तक तो चीज़ें स्मूथ हैं यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है भाई सर एक काम करो आप एक छोटा सा काम करो ये कुछ दिख रहा है और ये कुछ दिख रहा है दिख तो रहा है सर तो इसे थोड़ा कॉमन लेके कर पी स्क्वायर को अगर मैंने कॉमन लेके लिखा तो आपको क्या दिख रहा है अगर पी स्क्वायर को कॉमन लेके लिखा तो ये दिखता है सर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल सही बात है कोई तकलीफ कोई आपत्ति कोई परेशानी हो तो बोलो भाई और एक और बात देखिएगा सर बची हुई जो टर्म्स हैं वो क्या है वो है आपके बी स्क्र माइनस वन कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक अब देखो भाई सिंपल सी बात है आप सोचो वो क्या कह रहा था वो आपसे एक जरूरी बात कह रहा था जो आपने नोटिस नहीं की वो कह रहा था फॉर ऑल रियल पी तो वो कहना चाह रहे पी की किसी भी वैल्यू के लिए अगर आप एक बात सोच के देखो ये इक्वेशन है पी में यानी ये इक्वेशन जो पी में है जिसमें ए और बी आपकी जो भी वैल्यूज है जो हम निकाल लेंगे ये एक पी में इक्वेशन है जो कि पी की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है मतलब अगर मैं पी को अभी एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करूं तो इसका कोई एक स्पेसिफिक सल्यूशन नहीं है ऐसा नहीं है कि पी की मुझे कोई वैल्यू मिलेगी ये पी की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है सर ऐसा तब ही होता है जब वो इक्वेशन ना होकर आइडेंटिटी बन जाए आई होप आपको याद है कभी भी आपसे कोई कहे याद करिए अगर मुझसे कोई कहे ए एक्स स्क्वायेर मैं क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा हूँ याद करिए अगर मुझसे कोई कहे यहाँ पे इसके कोई दो रूट्स नहीं है ये एक्स की सारी ही रियल वैल्यूज़ के लिए ट्रू है सर ये तो तब ही संभव होता है जब ये इक्वेशन ना होकर एक आइडेंटिटी बन जाए उस केस में आपके जो ए बी और ये जो सी होते हैं वो जीरो होते हैं अगर आपको याद आ रहा हो तो ये बात हम कब पढ़ेंगे ये बात हम क्वाड्रेटिक में एक अच्छे मैनर में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ये मुझे पी में क्वाड्रेटिक दिख रही थी उसने कहा कि पी की किसी भी वैल्यू के लिए बात ट्रू है तो मैं कहूँगा सर जो यहाँ पर कोफिशंस और कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं वो जीरो होंगे ये तब ही संभव है है ना तो मैं क्या कहूँगा मैं कहूँगा फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो होगा पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन कि बी स्क्वायर माइनस वन जीरो होगा यहाँ से आप क्या कंक्लूड करेंगे कि बी की वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं सिर्फ प्लस वन होगी याद है ये बातें बी की वैल्यू वन यहाँ रखता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है वन बाई टू आई होप आपको दोनों बातें समझ आई अब चूंकि मुझे ए और बी की वैल्यू पता चल गई है अब मुझे अगर ए और बी की वैल्यू पता चल गई है तो अब इसमें जो भी बातें मुझसे पूछी जाएंगी मैं बहुत आराम से चीज़ें बता पाऊंगा और कह पाऊंगा कि ज्यादा टेंशन लेने ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है क्यों सुनिएगा ध्यान से आपको ए मिलता है वन बाई और बी मिलता है वन सुनिएगा ध्यान से है ना मैं बस इसी डिस्कशन से बात शुरू करता हूँ कि ए मिलता है वन बाई और बी कितना मिलता है सॉरी फॉर दिस बी जो मिलता है वो मिलता है वन क्या आप मुझे सेंट्रिसिटी निकाल कर दे सकते हैं सर ए e स्क्वायर जो होगा बस एक बात का फर्क कि आप मन से ये मत मान लीजिएगा कि ए और बी में कौन बड़ा है कौन छोटा है, है ना तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिख रहा है ए आपका छोटा है अगर ए छोटा है तो फिर आपका क्लियर सी बात है उसने नहीं कहा था कि माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस कौन सा उसने बस ये कहा था आपके कॉर्डिनेट एक्सेस के साथ ही हैं वो वही है है ना तो क्लियर सी बात है आपका y एक्सेस मेजर एक्सेस बन रहा है अगर आप इस नजरिए को ध्यान से देखें तो ई तो स्क्वायर e जो होगा वो होगा वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर कितना वन बाय फोर अपॉन बी स्क्वायर यानी वन क्या आपके ऊपर आप समझ आ रही है वन माइनस वन बाय फोर यानी कितना थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर का अंडर रूट लिया तो सेंट्रिसिटी कितना आता है अंडर रूट थ्री बाई टू और ऐसा कोई ऑप्शन कहाँ दिख रहा है सर क्लियरली ऑप्शन बी में दिख रहा है कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है क्या यहां तक कोई परेशानी आगे बढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है वो द फोकाई ऑफ द एल सर मैं जानता हूं अब गड़बड़ ये मत कर देना खबरदार कोई भी स्टूडेंट्स मुझे प्लस माइनस ए ई e, कॉमा जीरो बताए नहीं ये गलत होगा ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर चुके हो आपका मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस नहीं वाई एक्सेस है तो आपके फोकाई क्या होगी जीरो प्लस माइनस बी ई आई होप ये बात आपको समझ आ रही है तो टेक्निकली ये ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जा रहा है अब अगर मैं बात करूँ आपसे प्लस माइनस बी ई तो बी कितना था सर बी है वन और ई e है रूट थ्री बाई टू तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि सेंट्रिसिटी के साथ अगर मैं फोकाए आपसे पूछूँ तो ये कितना होगा प्लस माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू इस तरीके से जो कि मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है क्या आप सबको समझ आ रहा है खबरदार आप में से कोई भी स्टूडेंट्स इनके साथ जाए आपके नन ऑफ दीज के कारण आप क्या मार्क करेंगे ऑप्शन डी एवरी वन विद मी सो फार नाउ

उन परपेंडिकुलर टेंजेंस का अगर आपसे मैं लोकस पूछूँ तो क्या पहले तो आपको ये बात समझ आ रही है कि क्वेश्चन को कैसे घुमा कर कहते हैं वो सीधे सीधे बात नहीं कहते जैसे वहाँ पर उसने पी की वैल्यू कैसे निकलवाई आपको आइडेंटिटी बनवाकर अब आपको आइडेंटिटीज़ और इक्वेशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट नहीं पता है तो आप वहीं अटक जाएंगे वहीं रुक जाएंगे पी ए और बी में घूमते रह जाएंगे सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या करना है उसी तरीके से यहाँ पर वो जब कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर टेंजेंट क्या आपको कुछ याद आ रहा है आप याद करो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है जैसे पैराबोला में जहाँ से आप परपेंडिकुलर टेंसिस ड्रॉ करते हैं वो डायरेक्ट ट्रिक्स हुआ करती थी इसी नजरिए से हमने एलिप्स में एक नज़रिया एक एक परस्पेक्टिव बिल्ड किया है कि सर एलिप्स में अगर मैं लोकस ढूंढ रहा हूँ मैं पाथ ढूंढ रहा हूँ उन सारे पॉइंट्स का जहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर टेंजन ड्रा कर पाते हैं तो वो होता है आपका डायरेक्टर सर्कल याद है और डायरेक्टर सर्कल तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है सर वो होता है आपका यही सर्कल के सेंटर को कोइंसाइड करता है बस उसकी रेडियस का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए और भी हम जानते हैं कितने वन बाई टू और वन तो वन बाई फोर प्लस वन ये कितना हो जाएगा भाई ये हो जाएगा आपका वन बाय फोर प्लस वन आई होप आप ये कंसेप्ट भूले नहीं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना फाइव बाय फोर और ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है क्या सर सीधे सीधे ऑप्शन ए नज़र आ रहा है कहीं दूर जाने की जरूरत या आवश्यकता है ही नहीं क्या ये पूरा क्वेश्चन प्रॉपर से मैनर में समझ आया एंड डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दीज क्वेश्चन आर इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स यू नो द निवासिस कहीं दूर कहीं कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं एक आसान सा बेसिक सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन याद रखने वाली बातें हैं कि आपको ये पता हो कि आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है दूसरी कुछ ज़रूरी बातें कि जो डेफिनेशनस आपको पढ़ाई गई हैं उन्हें देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपने पढ़ी हैं या नहीं चीज़ें बारीकियों में जाकर डेप्थ में जाकर गहराइयों में जाकर तो ना सिर्फ आपकी विथ्थ बल्कि आपकी डेप्थ भी चेक की जाती है कंसेप्ट की और यकीन करिए ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स का पैकेज है बहुत ही थरो मैनर में आपकी ये सारी बारिकियाँ कवर करता है ये बहुत डिटेल मैनर में आपको पढ़ाते हैं और हर एक चीज़ आपकी कवर करवाते हैं मतलब पांच किताबों में इन्होंने पहले तो आपके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया मतलब तो सोच के देखिए कितने न्यूएसिस तक इन्होंने हर एक चीज़ को टच किया होगा कितनी इंट्रीकेटेड मैनर में हर एक चीज़ उन्होंने कवर की है इसके साथ ये पांचों किताबें जो हैं कॉर्डिनेट कैलकुलस इन फैक्ट्रंथीमैट्री हम इसके हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं और उन्हें इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल से कंसॉलिडेट करने के बाद हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन से वेराइटी ऑफ क्वेश्चन का एक्सपोजर लेकर हम फाइनली जे डब्ल्यू एडवांस के प्रीवियसियस क्वेश्चन से चैप्टर को कलमिनेट कर रहे हैं यानी हर एस्पेक्ट हर पहलू एक्सप्लोर किया जा रहा है आपकी कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही वी आर लिविंग नो स्टोस एंडर्न इन मेकिंग यू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशन एंड दैट टू एट एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट वी डोंट चार्ज एनीथिंग थिंग देर आर नो हिडन कॉस्ट देर इज नो सब्सक्रिप्शन विच यू नीड टू बाय दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडर गार्डन टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड यू कैन सीक फॉर आर नोट्स द डिस्क्रिप्शन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एज गेट नोट्स एंड बाई क्लिक इन ऑन देर यू कैन गेट द नोट्स एज वेल सिमिलरली टू Access the full playlist in which the videos are systematically arranged. All you need to do is go to the description, there you'll find full playlist links, engage mathematics for IIT JWE Mains and JWE Advanced. The only request we have is watch these videos regularly, don't miss anything. Make notes, revise everything, and practice as many questions as you all can. That's the only thing which we are requesting. And in case if still if you have any concerns, any queries, do post your comments. We'll definitely respond if your comments are found to be relevant. And one more thing, students, there is share it with people among your connections. This is the best way for people. This is the best way for us to get to know, you know, to spread our word. If you find them worth sharing, share it with among your connections. This is the most optimal way in which we can make ourselves, you know, aware, make ourselves spread among the people. I hope you are getting my point. So, with that, let's call it a day here. Take a good care of yourself. Thank you so much.